हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज़ डॉक्टर मनीष काक, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद। आज हम बात करेंगे कोविड और पेट और लीवर के संबंध में। जैसा हम सब जानते हैं, आजकल कोविड पैंडेमिक फैला हुआ है, ओमिक्रॉन वायरस फैला हुआ है, तो कई मरीजों को ये डाउट होता है कि क्या इससे लीवर इन्वॉल्व होता है या इससे पेट पर कोई इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो कोविड इन्फेक्शन है, 15-20% लोगों में पेट भी इन्वॉल्व कर सकता है, जिसमें लूज मोशन होता है, वॉमिटिंग होती है, पेट दर्द होता है। लेकिन ये सिम्टम कई बार नॉर्मल गैस्ट्रोएंटेराइटिस या इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं वो भी कर सकता है। तो ये कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये कोविड से है या नॉर्मल इन्फेक्शन है? तो जब भी हमारे घर में किसी को अगर कोविड है, आगे पीछे हमारा कुछ कोविड से एक्सपोजर हुआ है, और फीवर है, गला ख़राब है, खांसी है और लूज मोशन है, तो इसका ज़्यादा चांस है कि ये कोविड से हो रहा है। और अगर ये सब नहीं है तो ज़्यादा चांस है कि ये नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। दूसरा, कई बार मरीजों को ये डाउट रहता है कि उनको लीवर का कोई प्रॉब्लम है, जैसे लीवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, उस दवाई का कोविड के बीच में क्या करना है या उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो आपको जो भी पुरानी दवाई चल रही है, जैसे सिरोसिस की कोई दवाई चल रही है, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की दवाई चल रही है, वो दवाई बिल्कुल वैसे ही चलेगी, वो आपको बंद नहीं करनी है। या लॉकडाउन होता है या दवाई आपके पास अगर उपलब्ध नहीं है, तो बेटर ये रहता है कि पहले ही स्टॉक करके रख लीजिए ताकि इस दवाई में कोई ब्रेक ना हो। दूसरा, अगर किसी को पहले से सिरोसिस है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है, उसमें अगर कोविड का इन्फेक्शन होता है तो वो रिस्की ज़्यादा होता है। ऐसे मरीज़ को बेटर है कि वो कंसल्ट कर ले, डॉक्टर से परामर्श कर ले, क्योंकि इसको कोमॉर्बिड बोला जाता है, जिसका मतलब है ऐसे मरीजों में कोविड इन्फेक्शन से रिस्क ज़्यादा होता है, तो उनको डॉक्टर कंसल्टेशन करना ज़रूरी है, हॉस्पिटल में दिखाना ज़रूरी है और फिर आगे इलाज बढ़ाना चाहिए। तीसरा है, कुछ लोगों को फैटी लीवर है और फैटी लीवर के कारण उनको डॉक्टर ने बोला एक्सरसाइज कीजिए, घूमिए फिरिए, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाती है, कोविड के बीच में बाहर जाना बंद हो जाता है, तो उनका फैटी लीवर का ग्रेड, जैसे हमने पहले भी फर्स्ट सेकेंड वेव में देखा, फैटी लीवर का ग्रेड 1 से ग्रेड 2 चला जाता है, ग्रेड 3 चला जाता है, क्योंकि उनकी एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है। तो ऐसे में आपको ख्याल रखना है, घर में ही बैठ के आप कुछ भी योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए, आप यूट्यूब से किसी भी चैनल से आप देख सकते हैं, आपको फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज का वीडियो मिलेगा, उसको फॉलो कीजिए ताकि आपका जो फैटी लीवर है वो प्रोग्रेस ना हो, वो आगे ना बढ़े। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मास्क लगाइए, वैक्सीन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और कोविड से बचिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।